डेली करंट न्यूज में इस वक्त की खबर है। राजा राम मोहन राय की पुण्यतिथि 27 सितंबर को राजा राम मोहन राय की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। राजा राम मोहन राय 19वीं सदी के प्रभावशाली और महान सामाजिक, धार्मिक सुधारक और शिक्षाविद थे। इन्हें आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। ये प्राचीन और नवीन ज्ञान के मेल के साथ भारतीय विचारधारा व दर्शन की गहरी समझ रखते थे। इनका जन्म 22 मई 1772 को हुगली के राधानगर गाँव में हुआ था। ये बहुभाषाविद थे और संस्कृत, अरबी और फारसी के साथ ही ग्रीक, लैटिन आदि भाषाओं के ज्ञाता थे। इन्होंने समाज में विद्यमान धार्मिक कुरीतियों, कुप्रथाओं और जाति प्रथा को खत्म करने के लिए अथक प्रयास किए। इनके प्रयासों में सती प्रथा का उन्मूलन सबसे प्रमुख था। पर्दा प्रथा और बाल विवाह को समाप्त करने में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन्हीं के आंदोलन के फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1828 में इन्होंने हिंदू धर्म के एक सुधारवादी आंदोलन ब्रह्म समाज का गठन किया। 1831 में मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि से नवाजा। ये भारतीय पत्रकारिता के प्रवर्तकों में से एक थे। 1822 में इन्होंने फारसी में मिरातुल अखबार पत्रिका प्रकाशित की। इन्होंने बंगाली भाषा का पहला साप्ताहिक अखबार व भारतीय भाषा का पहला अखबार भी शुरू किया। गोपाल कृष्ण गोखले ने इन्हें आधुनिक भारत का जनक कहा। ब्रिटेन की यात्रा के दौरान मेनिनजाइटिस के कारण 27 सितंबर 1833 को इनकी मृत्यु हो गई। इन्हें ब्रिस्टल में अर्नोस वैले कब्रिस्तान में दफनाया गया।